जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। केंद्र सरकार की तरफ से अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना में भर्ती की घोषणा को के बाद युवाओं में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसको लेकर बुलंदशहर में पुलिस गांव-गांव चौपाल लगाकर युवाओं को अग्निपथ योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दे रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आधा दर्जन गांवों में चौपाल लगाकर नई सेना भर्ती योजना की सही जानकारी ली है। आपको बता दें कि शहर में लगातार दो दिनों से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं में आक्रोश देखने को मिला है, जिससे शहर का माहौल खराब हो रहा है। प्रशासन माहौल सही करने के लिए युवाओं को समझा रहा है। बात करते हैं संवाददाता सौरभ शर्मा से। कैसे प्रशासन इन कोशिश कर रहा है और वो कौन? जी अनुज जी, मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि कुछ ना कुछ जब कहते हैं कि कहीं जारी होती है आंदोलन को हवा देने की कोशिश, इस आंदोलन को भड़का कर ये कोशिश कर रहे हैं कि जनता में कहते ही हम माहौल को बदला जा सके, सत्ता के विपरीत एक बिहार है वो फिलहाल प्रयास अपने सुबह अक्सर देखने में आता है कि यहाँ बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और SSP अक्सर सुबह से निकल जाते हैं, जो सेना की तैयारी कर रहे होते हैं लड़के उनको मोटिवेट करने का भी काम कर रहे हैं। एक बहुत बढ़िया ये पहल की है इन्होंने दोनों अधिकारियों ने, चौपाल अधिकारियों जो उनके सबोर्डिनेट और भी अधिकारी हैं उनको भी ये निर्देशित किया गया गाँव गाँव जाकर चौपाल लगाया सरकार की योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दें, और कहीं ना कहीं ये कामयाब दिख रहा है क्योंकि जो हिंसा हिंसक होने की घटनाएं होती बुलंदशहर में उन पर काबू किया है। हालांकि एहतियात के तौर पर हर जो पुलिस वाले सुरक्षा वाले से तैनात किया गया है, लेकिन लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि जो सरकार है उसकी योजना को विस्तृत जानकारी जो युवा है या जो सेना में जाना चाहते हैं लोग उन तक पहुंच सके ताकि कोई किसी तरह इसको लड़कों को बरगला ना सके। इसके अलावा एक नई पहल बुलंदशहर में चल रही है जो निजी जो आपके व्यापारी हैं व्यापारी वर्ग हैं और खासतौर पे उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र अग्रवाल है बुलंदशहर में, इसके जो व्यापारी जुड़े हुए हैं उन्होंने ये एक पहल की है कि जो युवा सेना में अग्निवीर की नौकरी करके आएंगे उनको अपने औद्योगिक संस्थान जो होंगे जो बड़ी इंडस्ट्री है उनमें प्राथमिकता दी जाएगी। ये प्राइवेट स्तर से निजी स्तर से व्यापारियों ने सरकार की योजना को सराहने का काम किया है। इसके अलावा अगर बात करें लोकल प्रशासन की तो प्रशासन की अनुरोध के साथ साथ जो जनता के नेता हैं जो सामाजिक संगठन है जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग भी लगातार अपना जो वीडियो है उसे वायरल कर रहे हैं और काफी हद तक इसका प्रभाव जो जनता है या जो सेना में जाने वाले लोग हैं उन पर पड़ रहा है कि सरकार की योजना महत्वाकांक्षी है। जी जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उत्तराखंड समेत 5 हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश विपिन सांघी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।